बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर गया जिला के मोहरा प्रखंड के दशरथ नगर गांव में जल ही गायब है। वहां के रहने वाली लक्ष्मी कुमारी ने बताया कि हमारे गांव में करीब 100 से अधिक दलित वर्ग के लोग निवास करते हैं। समस्या तो पानी के बहुत कठिनाई है। क्या पानी की कठिनाई है? पीने खाने के तो कठिनाई है, तो जो इंदिरा है ना वही अथवा लिचारी से पी रहा है, क्या करे। इस गांव में कितने कुआं? ये गांव में कुआं है, 5-6 कुआं है। तो सब चलता है? हाँ, कोई में पानी ठहरता है, कोई में नहीं रहता है, पानी कम रहता है, सूख जाता है कुआं ना। बड़ी बात पूछे तो कुआं पानी साफा है? साफा है, घड़ी कोई बाती रहता है, गंदा ना हो जाता है, पत्ता तत्ता सब गिर जाता है के अंदर। तो गर्मी का मौसम आ गया है तो कुआं में पानी है या दूर चला गया ऐसा कुछ? दूर चला गया तो आखिर के कुएं से ना कैसे करके परिश्रम करके आदमी पी रहा है, क्या करे। यहाँ पर दिसंबर 2014 में एक पानी सप्लाई टंकी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम द्वारा लगाया गया था और जगह जगह पर छोटे छोटे टंकी और चौराहे पर नल भी लगाया गया। लेकिन जब ये पानी सप्लाई टंकी चालू किया गया तो टंकी फूटा निकला और जगह जगह पर जो पाइप लगाया गया था वो लीक था, जिससे ग्रामीणों तक पानी नहीं पहुंच पाया। टंकी तो बैठ गया जरूर, जहां तहां पाइपें लीकेज है, टंकी में एगो टंकी का चकबल हुआ वो छूट गए हैं अंदर में, क्या चीज़ फायदा होगा टंकी से? कुछ फायदे नहीं है, तो टंकी बैठाई कि क्या कर दिया है सरकार? तो इससे पानी नहीं पहुँच रहा गाँव घर तक? पानी पहुँचेगा कैसे? पंप बैठा दिए हैं तो लीकेज है पंप पे, तो पानी जाएगा कैसे? आदमी हाथ से पंप डाल के बैठा देंगे पानी। और हम लोगों को अभी गंदे कुएं से और गंदे पानी को पीना पड़ता है, जिससे पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। कुआं के पानी से पीने से बीमारी फैल रहे हैं, यानी पानी से बहुत जानवर भी कितना जगह मर गए हैं। तो टंकी को बनाने के लिए किसी को बोले? नहीं, टंकी बनाने के लिए तो कई आदमी आया तो लीक पढ़ के ले गया, तो अभी पते नहीं कि कब बनाएगा कब भेजेगा। हम लोग ऐसे नहीं है कि अब बनेगा कंप्लेन कितना बार किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं, खाली आते हैं जांच करके चल जाते हैं, लेकिन हाँ कर दीजिए कर देंगे हो जाएगा, कब होएगा? आदमी मर जाएगा प्यासल तब होएगा। मैं चाहता हूँ कि पानी सप्लाई टंकी को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ताकि लक्ष्मी कुमारी की तरह और भी ग्रामीणों को बीमारी और पानी पीने की समस्या का सामना ना करना पड़े। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पीएचडी विभाग का मोबाइल नंबर 85 44 16 97 68 पर कॉल कर समुदाय का सहयोग करें। मैं अमित कुमार, गया जिला बिहार से, इंडिया नट के लिए।